आपल्यासोबत प्रसिद्ध पखवाद वादक पंडित भवानी शंकरजी जोडले गेलेले आहेत आज दिदींच्या जाण्यानं दुःख व्यक्त होत आहे आपली श्रद्धांजली प्रणाम आज हमारे बीच. जी बोली प्रणाम आज हमारे बीच लता दीदी नहीं रही बहुत दुख की बात है सुरों का समुंदर आज खत्म हो गया इतने गाने उनके हर भाषा में गाने क्या गाया उन्होंने और महान व्यक्ति थी और मैं थोड़ा उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं ओ शांति 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 ओ शांति 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 हमारा दीदी का मेरा तो कम से कम छियालीस साल का उनके साथ रिलेशन है और उनके गाने इतने बजाए मैंने और प्रोग्राम भी किए उनके साथ और जब गाने खड़ी होती थी लता दीदी तो ऐसा लगता था कि ऊपर से माँ सरस्वती आ गई और सुर और ताल इतना खूबसूरत लगता था स्टेज पे और हमने बहुत जगह प्रोग्राम किए तो एक दफ़े की बात है लता दीदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में गाने खड़ी हुई और उन्होंने पहला गाना महल पिक्चर गा लिया जिसके पहले गाने के पहले बहुत बड़ा शेर है तो जैसे शेर शुरू किया उन्होंने पांच हजार आदमी खड़े रह के दस मिनट ताली बजाइए जो लोग पागल हो गए गाने नहीं दिया उन्हें तो अनिल जी साथ में थे हारमोनियम पे तो वो मेरे को देख रहे कि भवानी क्या हो रहा है तो मैं बोला भाई ये संगीत है इसकी कोई ज़ुबान नहीं है इसकी कोई जात नहीं है ये संगीत अपनी एक भाषा है और सबको पसंद आता है तो सुर के माध्यम से भगवान के दर्शन होते और लता दीदी का तो सुर मतलब बस साक्षात भगवान का रूप था और वो जो महल पिक्चर का गाना था उसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे पिताजी पंडित बाबूलाल जी के सग् मासा मचंद प्रकाश जी थे तो वो गाना इतना हिट था उस वक्त भी और आज भी और लता जी की आवाज फिर ऐसे चलते रहा सिलसिला उनके साथ तो 76 से मैंने बॉलीवुड जॉइंट किया तो मेरा क्लासिकल और बॉलीवुड दोनों साथ में है तो बॉलीवुड मैंने 76 में ज्वाइंट किया आर डी बर्मन से तो उस वक्त के वो जो 76 का पीरियड था और आगे तो उसमें ये बरसात की एक रात का गाना था जिसमें लता दीदी और किशोर कुमार ने गाया था डुएट सपने प्यार के अपने ये गाना था तो इसमें हम लोगों ने बजाया था तबला वगैरह उर्दू बाया और लेकिन क्या आवाज़ हेडफोन लगा के हम फिल्म सेंटर में हुआ ये गाना तारदेव में तो आर डी खड़े थे तो जैसे दीदी आई तो पूरे म्यूजिशियन में साइलेंट हो जाता था कि अरे दीदी आली दीदी आली तो सब लोग शांत हो गए तो जैसे वो सिंगर रूम होता था उधर आर डी बैठे थे और लता दीदी अंदर तो म्यूजिशियन को देखती थी पहले कि कौन कौन म्यूजिशियन है और उनके फेवरेट म्यूजिशियन भी होते थे तो मेरे को देखा तो मेरे को हाथ ऐसे दिखाया और रूम में चली गई सिंगर रूम में तो लता जी और वो राइटर जो थे वो बैठे हुए और पंचमदा बैठे हुए तो गाना उन्होंने याद किया तो वो चश्मा लगाती थी दीदी तो चश्मे से ऐसे नहीं देखती थी ऐसे ऊपर से देखती थी और गाना दस मिनट में याद कर लिया बस उनके लिए तो कुछ चीज़ मुश्किल थी ही नहीं आसान ही थी बल्कि खाली सुर देखना था कि ये परफेक्ट है क्या तो उस टाइम गाना रिकॉर्डिंग जो होती थी वो इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक एक साथ होते थे सब म्यूजिशन भाई कट गलती हो जाए तो पंच करना ये कुछ नहीं परस गया परस गया के गया ये चलता था सब तो लता जी वो तो परफेक्ट गाने वाले लोग थे हम लोगों से गलती हो जाती थी तो भाई फिर से लोग परस गया तो उसमें फिर होता था तो लेकिन गाना बोलने का मतलब कि इतना सुंदर होता था और लताबाई जो भावना से गाती थी और उनका जो गाने का शब्दों का सुर का जो खेलना था वो बेजोर था कैसे शब्द को अंदर लेना कैसे छोड़ना और कैसे फीलिंग शब्दों की शब्दावली होनी चाहिए नहीं तो मजा नहीं और फील होना चाहिए पहले शब्द को सुनिए कि शब्द क्या कह रहा है तो राइटिंग और म्यूजिक चोली दामन का साथ और लता दीदी से कोई अच्छा नहीं कर सकता है वो तो महान है और वो जहाँ भी हो भगवान उनको अपने साथ रखे और उनको बहुत अच्छा स्थान दे और अब हम तो और वो तो जगह तो खाली हो गई सो हो गई अब क्या होना है वो तो श्री राम ही जाने पंडित जी तुम्हें संगित दीदी जी गाणी गाली गाणसोबत तुम्हें पखवाजा की तबला सात होती को किस्सा तुम्हारा आठवतो जो आज यसंगी तुम्हारा संगता जो दीदी तुम्हें गाना गाता दरमियान शाह काला एक और फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रविंदर जैन और राज कपूर जी की फिल्म थी तो वो गाना रिकॉर्ड हुआ फेमस तारदेव में स्टूडियो था उस वक्त तो वहां अब हम लोग तो नौ बजे पहुंच गए लता दीदी बारह साढ़े ग्यारह बारह बजे आई रविंदर जैन भी आ गए राज भी आ बैठे आई दीदी तो दिदी में थी सोने की थोडंसं थांबवतो आपण टीव्हीच्या पडद्यावर पाहतोय की भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या पार्थिवाला अग्नी दिला जातोय मंगेशकर यांच्या कुटुंबियांच्या वतीनं जे महत्त्वाचे सदस्य आहेत त्यांच्या हातून दीदींच्या पार्थिवाला अग्नि दिला जा संस्कारा ही आहोत पंडित जी आप बोले ऐसे था राज कपूर की फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली उसमें रविंदर जैन जी का संगीत था वो फेमस स्टूडियो तारदेव में रिकॉर्डिंग हुई तो लता दीदी आई तो लता दीदी आती थी चलती थी तो उनके पैरों में पायल होती थी जो सोने की होती थी उसमें घुघरू होते थे तो वो आती थी तो आवाज से मालूम पड़ता छम तो लोग बोलते थे, लता दीदी आ गई लता दीदी आ गए। सब मुजिशन ऐसे होके बैठ जाते थे आई सब लोग उठ के प्रणाम किया बैठ गए तो रविंदर जैन बैठे कपूर साहब बैठे तो चाय वाय हुआ फिर रविंदर जैन ने बाजा खोला तो दीदी बोला रवि जी हाँ गाना सुनाइए तो रविंदर जैन जी ने बोला कि पहले दीदी ये गाना लिख लीजिए ऐसा है इसके बोल तो दीदी ने लिखा बोले अब धुन सुनाइए तो धुन सुनी तो उन्होंने फिर दादा को ऐसे देखा बोले अच्छा ये धुन है तो राज साहब राज कपूर जी बोले हाँ दीदी ये धुन है और उन्होंने याद करना शुरू किया तो रविंद्र जैन जी को बोला रे रवि जी इतना क्यों मुश्किल बनाते हो ये तो बॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म है सरल गाना हो तो सब लोगों को याद हो जाएगा सब लोग अच्छी तरह से गाएंगे बोले दीदी राज साहब की फरमाइश थी और आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है बोले नहीं ऐसा नहीं ये संगीत है ये किसी को भी किस वक्त भी धोखा देखते दे, पता नहीं तो बोले नहीं, नहीं 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 आप लोगे तो दो तीन रेसल किया फिर हम लोगों के साथ रेसल किया तो मेरे को देखा भावानी आज सरल वाजो है रुमे को मैं कौन सा मुश्किल बजाता हूं तो बोले नहीं 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 भावानी अच्छा बजाता है बस वो तारीफ कर दी उनकी आशीर्वाद है तो फिर मैंने वो गाना बजाया एक मीरा एक राधा अच्छा एक मीरा एक राधा था गाना वो। जी एक राधा एक राधा मीरा तेव्हा पंडितजींकडून आपण लता त्यांच्या असलेल्या आठवणी हो ऐकतोय पंडितजी मला तुम्हाला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की संगीत म्हटलं की रियाज हा सगळ्यात महत्वाचा असतो तेव्हा तुम्ही लता दिदींना जवळून आहे तुम्ही त्यांच्यासोबत काही क्षण घालवलेले आहेत लता दिदी रियाजाच्या बाबतीत नेमक्या कशा शिस्तबद्ध होत्या रियाज देखी रियाज करने का या तो समय होता है सुबह पांच बजे तो पूरा साइलेंट होता है माहौल घर का माहौल भी बाहर का भी और या फिर रात को बारह बजे के बाद वो जो रियाज होता है वो भी साइलेंटपन्न होता तो कभी कोई नए गाने होते थे कुछ रियाज करना दे दो भवानी तू किसी वाजता एना करी और मैं आता बारह वाजले मी महबूब स्टूडियो मध्य है मी आता रेकॉर्डिंग संपड़ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ची यानी तिकड़ू नहीं तो दीदी में आता दमलो है अरे तू अभी बच्चा है थक गया हम लोग नहीं थके आपकी बात अलग है हम तो और सुबह फिर आना है रिकॉर्डिंग आ जाना कोई बात नहीं तू आ जा तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई बारह बजे रात को महबूब बांद्रा में और मैं पैडल रोड गया पैडल रोड जाने के बाद में प्रभु कुंज में उन नौकर को बोल के रखा भवानी आवे तो वो बैल बजावे खोल देना गया मैंने बैल बजाया मैं कुछ पौने एक, एक बजे पहुंचा तो बोले अरे यहाँ या कौन वो नौकर बोला वो दीदी कुटे बोले बोलो तो तो फिर उन्होंने अपना आई बाल तो बोले भवानी आजा तो डग्गा लेके बैठा मतलब डग्गा मीन्स बाया चाटी नहीं तो अंदर बैठा रहा तू तो क्या खाएगा तो बोला नहीं 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 मेरे को शर्म आ रही थी उनको बोलने के लिए कि अरे तुला भूख लागली असनार भूख लागली असणार का आता है डील वाज ले आता था। हाँ थाम थाम तो उनके घर में नौकर भी था वही नौकर आशाबाई के यहाँ था और वही नौकर मतलब एक फैमिली नौकर था वो कृष्णा नाम था अरे का जेवणसाटी बोले सगड़े बनौले लो काय पाए तू क्या खाएगा जो घर में है वो चलेगा मुझे तू नॉनवेज खाएगा मटन वटन मटन का नाम लिया तो अपना जय महाराज साहब तो मैंने बोला ठीक है तो वो उसने ला के दिया खाया बोले चल चार बज गए हम लोगों को और क्या वो एक एक चीजों को ध्यान से प्रैक्टिस करती थी और जो उनके मूड में आता था ऐसा कोई फिक्स तो था नहीं और रियाज के टाइम ऐसा फिक्स नहीं ये तो ऐसे लोग थे कि ये संगीत के बादशाह लोग थे इनको क्या तो सिखाना और क्या करना ये सीख के ही पैदा हुए हैं और सुरों के बादशाह लोग समुन्द्र है और ताल का इनको इतना अच्छा ज्ञान लेकिन इतना अच्छा होता तो मैं साढ़े चार पाँच बजे सुबह निकलता था गोरेगांव रहता था वहाँ चला जाता घर जाके सो के दो घंटा फिर वापस महबूब आ जाता था तो ऐसे बहुत चलते रहा सिलसिला और मेरे से तो बहुत प्यार करती थी कि तू क्या बजाता है भवानी तू तबला मैं बोला दीदी आपका आशीर्वाद है ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए अरे ना 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 तू अप्रतिम वाजु तो तो ऐसा चलते रहता था सिलसिला मेरे पे तो उनकी बहुत आशीर्वाद और हमने कभी उनका एक भी फ़ोन आए तो हम कभी ना नहीं कहा ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बहुत विजोशो में प्रोग्राम किया हिंदुस्तान में किया लेकिन बहुत अच्छा मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने मिला बजाने मिला सीखने मिला समझने मिला आज वो ही सब चीज़ें मेरे काम आ रही है आज उनकी आशीर्वाद है और मंगेशकर फैमिली से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है हमारे पिताजी का पंडित बाबूलाल जी का भी बहुत पुराना रिलेशन है ये कम से कम मेरे ख्याल से तीसरा जनरेशन हो गया उनके साथ हमारा रिलेशन मतलब पिताजी का मेरा मेरे बच्चों का तो अच्छे इनके मराठी गाने भी मैंने बहुत बजाए हैं मोगरा फूला चा क्या गाना लगता है राम कदम के साथ सुधीर फड़के जी विश्वनाथ मोरे बाल फलसूले भास्कर चंदावरकर ये मैंने मराठी गाने बहुत बजाए हैं और दीदी के इतने गाने बजाए कि मुझे याद भी नहीं है कि वो गाने क्या है लेकिन एक से एक गाना इतना तो मराठी गाना अभी बताया ना मोगरा फूला फुल, चा मोगरा मोगेरा फूलरा ऐसे कुछ और पिंजरा के जी शांताराम जी के क्या गाने थे तो ये लोग तो जब मेरा मन भराने लग गया क्या बोलूँ मैं मैंने पुराना वक्त याने, याद आने लग गया जो हमारा स्टैगल का टाइम था तो बाड़ा साहब के साथ भी बहुत काम किया बाड़ा साहब मतलब हृदय नाथ मंगेशकर जी इनको बाड़ा साहब भी बोलते थे लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने क्या बात है और ये संगीत का एक खजाना है मंगेशकर फैमिली और जिसके साथ संगीत मेहनत करने से रियाज करने से सबको आता है ऐसा नहीं है लेकिन संगीत को इन्होंने जो अपनाया और उसके साथ जो उन लोगों ने व्यवहार रखा कि डाउन टू अर्थ ही रहे और वो ही फल दिया इनको और आज इतनी बड़ी सिंगर मतलब भारत की नहीं पूरी दुनिया की बड़ी सिंगर आज उनको कौन नहीं जानता कौन नहीं उनसे प्यार नहीं करता है सभी लोग तो ये क्या है ये संगीत है ये विद्या ये सरस्वती है इसकी साधना ये सिद्धि है ऐसा नहीं कि अच्छा गाना गा लिया पैसे मिल गए सब ठीक है नाम हो गया नहीं सिद्धि करना पड़ता है तो सिद्धि ऐसे नहीं होती है तो इन लोगों के साथ रह के मैं तो बहुत बड़ा भाग्यवान हूं कि मेरे को भगवान ने मुझे ऐसा नसीब लिख के भेजा कि तुम इनके साथ ही काम करोगे ऐसे लोगों के साथ तो मेरी तो कोई किसी के साथ काम करने की इच्छा ही नहीं होती अब इनको सुन लिया इनके ऐसे बाजू में बैठ के बजाया अब और किसके साथ सुनू मैं बताइए आप मुझे तो ऐसा लता दीदी सोब खूब काल जवल काम के इतक महत्वपूर्ण योगदान लता दीदी तुम्हारा आयुष्यात राहले आज लता दीदी अपने सगैंस सोडन गे तुम्हारा मेरे को मुझे और मेरे परिवार सुबह मैं मेरी वाइफ खाना खाके रात को ऐसे बेडरूम में बैठे रहते थे एक भी गाना हमारे पास नहीं सिर्फ लता बाई के पुराने गाने आ हा हा दस मिनट के अंदर नींद आ जाती थी नो टेंशन फ्री ये माहौल और इतना अच्छा लगता था अब आज मेरी वाइफ रोने लग गई घर पे बोले मेरे को बोला ये क्या हो गया मेरे भी सुबह सुबह आंसू आ गए मैं बोला सुना तो अरे मैं बोला रात को मैंने न्यूज पे देखा था कि बोले अब लताबाई की तबीयत ठीक हो रही है लेकिन सुबह न्यूज आया कि वो रहे नहीं अरे बाप रे पूरा मेरा दिन आज ना तो मैंने इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाया ना कुछ करने को दिल किया ऐसे बैठ गया घर में जैसे कोई पागल बैठता है तो ये सब चीजें है लता दीदी जाणाना आज प्रत्येक जन तुम्हें स्तब्धा लता दिदींचं काम लता दिदींच्या एकूण वावरातल्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात त्या फार महत्वपूर्ण होत्या तुम्ही सांगितलं की लता दिदी आणि त्यांच्या कामाविषयी त्यांच्या संगीताविषयी त्यांची असलेली सिद्धता ही फार महत्वाची आहे त्या संगीताबद्दल कशा आणि किती प्रामाणिक होत्या संगीत के लिए एक जीवन नाही दस जन्म लेना पडता जब जाके सिद्धस्थ होता और उस आदमी को लोग पूछते हैं और उनको सुनते हैं तो ये होता है ऐसे ही एक फिल्म थी नाचे मयूरी महबूब स्टूडियो में गाना चल रहा पैजनिया बोल वो मद्रास की फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था लता दीदी आई पैजनिया बोल ये सब गाना था और लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया सिंगर रूम में भवानी जी पंडित जी बोलते थे कि तबला लेके आओ तो तबला लेके अंदर गया दीदी बैठी अब दीदी को देख के पहले डर लगता था पता नहीं। कुछ कहेगी लेकिन नहीं आ भवानी बैठ बैठा मैंने लगाया बोले तो फिर म्यूजिशन के पास चला गया हॉल में तो फिर रिहर्सल चालू हुई और रात को दस बजे तक वो गाना चला दस बजे तक चला और मेरे उंगली में ब्लड चालू हो गया खून तबला भर गया फिर मेरे को दत्ताराम जी शंकर जय किशन के जो असिस्टेंट थे वो बोलते रहे भवानी तेरा तो तबला खून से भर गया बैंडेड लगा ले मैं बोला नहीं बैंडेड नहीं गाना इतना अच्छा और उसमें खासियत ये थी कि लता दीदी ने जो पढ़ंत किया है बोल का ऑय हाय बाप रे बाप ऐसा लगता है कि मोती झड़ रहे हैं तो भगवान उनको आत्मा को शांति दे और भगवान अपने चरणों में रखे और हमको नक्कीच हिम्मत दे नक्कीच आपल्यासोबत पंडितजी भवानी शंकर होते त्यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिलेला आहे